हेलो फ्रेंड, आज हम बताने जा रहे हैं पावर बोर्ड का कनेक्शन कैसे किया जाता है। देख सकते हैं ये पावर बोर्ड है, इसमें एक इंडिकेटर दिया हुआ है यहाँ पर, और ये सॉकेट हो गया है और ये स्विच हो गया। ये 16 एम्पियर का ये बोर्ड है, जो इसका सही कनेक्शन कैसे किया जाता है आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये बॉक्स हो गया ये, और सॉकेट इसमें देख सकते हैं एक इंडिकेटर दिया हुआ है। तो इंडिकेटर कैसे कनेक्शन किया जाता है, और आप देख सकते हैं ये बोर्ड है इस तरह से। एक्सटेंशन बोर्ड भी आप इसे यूज कर सकते हैं एक्सटेंशन बोर्ड की तरह। तो इसमें 3 ठो कोड दिया हुआ है, 1 ठो दिया हुआ है, 2 ठो ये, 1 ठो है देख सकते हैं यहाँ पर एल दिया रहता है, यानी ये फेज होता है, और यहाँ पर एन है यानी न्यूट्रल। ये एल का मतलब लाइन हुआ, तो ये फेज होना चाहिए और ये न्यूट्रल होना चाहिए, और ये हो गया बॉडी अर्थ। तो पावर बोर्ड में बॉडी अर्थ देना चाहिए। तो चलिए हम आप सबसे चलिए अब हम सबसे पहले कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले ये छोटा सा तार ले लेंगे, ये जो इसमें सॉकेट में और ये स्विच से जाएगा। तो चलिए हम सॉकेट में कनेक्शन कर लेते हैं, और ये कनेक्शन लूज नहीं होना चाहिए, अच्छे तरह से टाइट इसका कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये जल जाता है पावर वाला चीज में। तो ये स्विच में ऊपर की तरफ देंगे, ऊपर तरफ देने से क्या होता है फायदा कि आपका स्विच देखते हैं कभी कभी स्पार्क करता है, तो ये ऊपर की तरफ देंगे आप। अगर सॉकेट से जुड़ जाता है स्विच से सॉकेट में, तो ये ऊपर तरफ देना चाहिए देख सकते हैं, क्योंकि ये स्पार्क कम करेगा और स्विच नहीं जलेगा। जैसे सॉकेट में कनेक्शन चला गया, और ये जो इंडिकेटर है इसका 1 ठो हम स्विच में ले लेंगे। तो चलिए इसको हम कनेक्शन कर लेते हैं। स्विच में देने से ये है फायदा कि आप जब स्विच ऑन रखिए, ऑन करिएगा तो भी जलेगा, और ऑफ करिएगा तो ये इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा। अगर आप नीचे दे दीजिएगा तो क्या होगा कि हमेशा ये जलते रहेगा। तो अब हम ये कोड हो गया, तो बोर्ड का कोड हो गया। तो सबसे पहले ये कनेक्शन करने के लिए इसमें हम चलिए अंदर की तरफ कर लेते हैं वायर को इस तरह से, और बोर्ड में। तो सबसे पहले आप फेज देख सकते हैं, रेड कलर का जो है ये फेज है, जो गर्म तार बोला जाता है। तो चलिए हम इसमें कनेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले फेज का, ये फेज का हो गया कनेक्शन देख सकते हैं, ये फेज आ गया जो स्विच से सॉकेट में चला गया, स्विच से सॉकेट में और इंडिकेटर में चला गया। जब ऑन करेंगे यहाँ लाइट हम सप्लाई देंगे तो यहाँ से इसमें जाएगा तो ये जलेगा, और ऑफ करेंगे स्विच तो ऑफ हो जाएगा ये लाइट इंडिकेटर। तो चलिए ये जो ग्रीन है इसको हम बॉडी अर्थ में दे देंगे। तो बॉडी अर्थ ये होता है ऊपर वाला, बॉडी अर्थ देना चाहिए, जो भी पावर वाला बोर्ड होता है उसमें बॉडी अर्थ जरूर देना चाहिए। तो अब हमारा बॉडी अर्थ का कनेक्शन हो गया, अब ये बचा न्यूट्रल। तो इसमें देख सकते हैं एल, इसमें देख सकते हैं ध्यान से आप, यहाँ पर दिया हुआ एल और यहाँ पर एन यानी न्यूट्रल, ये राइट साइड होना चाहिए हमेशा, देख सकते हैं ये राइट साइड है। तो चलिए अब हम इसे न्यूट्रल में देते हैं। तो चलिए, और ये जो है इंडिकेटर का 1 ठो वायर न्यूट्रल में दे देना है डायरेक्ट, ये डायरेक्ट चला जाता है। तो चलिए इसे स्विच से नहीं देना है, ये डायरेक्ट कर लेना है। तो अब हम इसे इसको टाइट कर लेंगे, इस तरह से आप कनेक्शन कर सकते हैं। देख सकते हैं एक बार और आपको हम बता दे रहे हैं, देख सकते हैं सबसे पहले ये कोड आया, कोड में से फेज गया स्विच में, और स्विच में से 1 ठो चला गया सॉकेट में, और ये गया इंडिकेटर में, और इंडिकेटर का इस यहाँ भी आप इस तार को कनेक्शन कर सकते हैं। और स्विच में लाइन दीजिएगा तो इंडिकेटर जलेगा, और ऑफ करेगा स्विच तो स्विच तो इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा। और 1 ठो यहाँ से बॉडी अर्थ आ गया, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ बॉडी अर्थ का ये लोगो रहता है, और ये जो ब्लैक है न्यूट्रल, तो न्यूट्रल और जो इंडिकेटर का है न्यूट्रल डायरेक्ट आ जाएगा और इसका। चलिए अब हमारा कनेक्शन पूरा हो गया है, तो अब हम आपको इसे दिखाएंगे ऑन करके इस तरह से। चलिए अब हम इसमें लाइन देंगे। तो चलिए फ्रेंड, इस तरह से हम चलिए अब हम लाइन दे दिए हैं इसे, तो ऑन करते हैं स्विच, देख सकते हैं जल गया यहाँ पर स्विच, और ऑफ करने पर ये बंद हो जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर जल रहा है, देख सकते हैं, और ऑफ करने पर बंद हो जा रहा है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको किस तरह का बोर्ड का कनेक्शन चाहिए, उस तरह का हम वीडियो बनाएंगे। और मैं अपना वीडियो समाप्त करते हैं फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।